नमस्कार दोस्तों, रोहित है यार। दोस्तों, आज वीडियो बनाने के पीछे मुख्य कारण ये है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बीपीएससी का भी एग्ज़ाम जो बीपीएससी ने कंडक्ट किया है, जो टीचर एग्जामिनेशंस है, एक बार मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये रहेगा कि डू हैव अ लुक ऑन दैट क्वेश्चन पेपर। फैंटास्टिक क्वेश्चन पेपर। बीपीएससी इज मूविंग वन स्टेप अहेड। जो हम लोग सोचते हैं, आप एस्पिरेंट्स जो सोचते हैं, जो कोचिंग वाला सोचता है, उससे एक कदम वो आगे बढ़ रहा है। एंड द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज फैंटास्टिक, आई मस्ट से। दो तीन चीज प्राइमा फेसी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है या मॉडर्न हिस्ट्री का है, दे हैव बीन टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से लेने का एक आसान ये होता है कि उन्हें आंसर की चेंज नहीं करना पड़ता है। द मोमेंट आंसर की चेंज बाय द कमीशन, वह कमीशन के साख को धक्का है, उसकी साख गिरती है। इससे क्वेश्चन आर बीन टेकन कैटेगोरिकली फ्रॉम द एनसीईआरटी, तो यू आर सपोज टू बी थॉरो विद दैट। पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि करंट अफेयर्स जो है बहुत ही धीरे धीरे अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहा है। पर अनप्रेडिक्टेबल को हम लोग प्रेडिक्टेबल कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हम लोग को सोचना चाहिए। अनप्रेडिक्टेबल इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग एक बार जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहा है, वही सेट कर रहा है जो बीपीएससी में सेट किया हुआ है। दे हैव द पुल ऑफ 40 एग्जामिनर्स होते हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछली बार बतख मियां पर क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बतख मियां कौन सा आदमी है जो इनवाइट किया, जहां बतख मियां को पॉइजन देना था गांधी जी को, एरिक करके उसका आंसर है। हम लोगों ने उसको तर्कस में भी कवर किया है। द पॉइंट इज कि वो वही एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहा है, एक कदम आगे बढ़कर क्वेश्चन सेट कर रहा है। तो करंट अफेयर्स का अभी जो एग्जाम हुआ है, हम लोग एक बार एग्जामिनर के माइंड को रीड करने की कोशिश करते हैं। अगर एक बार माइंड को हम लोग डिकोड कर दिया तो हम उस सेगमेंट पर ज्यादा फोकस करेंगे। इसका मतलब कि उस व्यक्ति का टेस्ट का पता चल गया। अगर आप कोई व्यक्ति को देखेंगे कि उसको व्हाइट कलर पसंद है, तो उसके जितने भी शर्ट रहेंगे वो व्हाइटिस्ट टिंज में रहेंगे। व्हाइट पर थोड़ा सा कुछ ग्रे शेड का हो सकता है, येलोइश शेड का हो सकता है। अगर कोई लड़की को काला कपड़ा पसंद है तो देखिएगा कि काला में ही पहनेगी, डीप कलर पहनेगी। हमको आपको पता नहीं चलता है, पर हमारा टेस्ट रिफ्लेक्ट कर जाता है हमारे एवरी एक्शंस में। तो जो सेट ऑफ एग्जामिनर्स क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, ये जो एग्जाम हुआ है उनके दिमाग को परिलक्षित करता है। तो होशियार कैंडिडेट वो है कि उसको रीड कर ले, एक कदम उसमें एक बार पीप करने की कोशिश करें कि वो कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बार हम लोग उस सेगमेंट को डिकोड कर लिए तो हमारे लिए आसान है कि उस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जैसे देखो, ये सारा क्वेश्चन टीचर से हमने लिया है, जो टीचर का भी एग्जामिनेशन हुआ है, आपको दिखा रहे हैं। हु इज द चेयरमैन, ठीक है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास अपॉइंटेड बाय द बिहार गवर्नमेंट ऑन 2 जनवरी 2022। यहां से हम पहला चीज ये डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं पूछ रहा है, वो अपॉइंटमेंट तो पूछ ही रहा है। जो बिहार में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसको वो पूछ रहा है। तो हम लोग अपॉइंटमेंट्स वाला जो सेगमेंट है उसको बहुत डिटेल में करेंगे। पर ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं है। इसका आंसर है जस्टिस संजय कुमार। अगर आप जाकर बिहार का जो लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उसके वेबसाइट पर जाओगे तो आप एंट्री नंबर 11 में देखो, जस्टिस संजय कुमार का नाम है, इज द एक्स ऑफिशियल मेंबर। पर इस क्वेश्चन इतना खूबसूरती से फ्रेम किया गया है कि प्राइमा फेसी आप गूगल करेंगे तो यहां पर आपको पहला नाम आएगा प्रोफेसर नवीन आर्या का। प्रोफेसर नवीन आर्या जो है पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और इनको अति पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा। ये जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे। फिर मुंगेर में आपको पता है कि नीतीश कुमार जी के कोटरी के मेंबर हैं ललन सिंह। ललन सिंह जो अभी मुंगेर के सांसद हैं और जदयू के अध्यक्ष हैं। इनका मुंगेर का जिलाध्यक्ष थे ज्ञानचंद पटेल, उसको भी अति पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है ज्ञानचंद पटेल जी को। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन बहुत ही स्मार्टली फ्रेम किया गया है। तो अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस संजय कुमार। व्हाट यू आर सपोज टू डू इज डू गूगल ऑन दिस। या तो आप गूगल कर लीजिए या हम लोग को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप लोग करके बता दीजिए, हम इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन फ्रेम करके आपको दे देंगे। हम लोग को एक कदम और आगे बढ़ना है, इसका मतलब जस्टिस संजय कुमार के बारे में एग्जामिनर को पता है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि जस्टिस संजय कुमार और क्या क्या बने हैं। तो जस्टिस संजय कुमार स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल फोरम के भी अध्यक्ष बने हैं। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल फोरम के भी अध्यक्ष बने हैं जस्टिस संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल फोरम क्या है? इट इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। ये कंप्लीटली जुडिशियल बॉडी नहीं है पर क्वाजी जुडिशियल है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी इसका
है। कब बनता है इसका सेंटर कहाँ है? पटना में है। कब बनता है? 1988 में बनता है। किस एक्ट के तहत बनता है? एक एक्ट पास होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का मुख्य मकसद है कि जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, उसको ठगा ना जा सके, उसके इंटरेस्ट को बचाया जा सके। बिकॉज अगर मार्केट का अगर हार्ट कोई है तो वो है कंज्यूमर। आप देखते हैं कि दुकान पे लिखता है ग्राहक भगवान का रूप है, तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है ताकि वो चिटेड फील नहीं करे, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। उस एक्ट के तहत स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम की स्थापना की गई पटना में 1988 में। इसका हेड कौन होता है? इसका हेड स्टेट लेवल पर रिटायर्ड हाईकोर्ट का जज होता है और संजय कुमार इसके अध्यक्ष भी हैं डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम के। साथ साथ जस्टिस संजय कुमार पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हैं और प्रोफेसर नवीन मौर्य अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हैं जो नगर निकाय का चुनाव हुआ था उसके लिए। अब दो तीन चीज और देखो, हम लोग को एकाध कदम और आगे बढ़ना चाहिए। अगर अपॉइंटमेंट के बारे में पूछ रहा है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो अपॉइंटमेंट में जो महिला आयोग है, बिहार का जो महिला आयोग है खूब न्यूज में रहा है, तो हमें महिला आयोग के बारे में भी पढ़ना चाहिए कि महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है। महिला आयोग का अध्यक्ष अश्वमेधी देवी हैं। अच्छा ये बताओ कि अश्वमेधी देवी कहां की पूर्व सांसद रही हैं? अश्वमेधी देवी उजियारपुर की पूर्व सांसद रही हैं। उजियारपुर कहां पर है, किस जिला में है? समस्तीपुर में है। अभी उजियारपुर का कौन सांसद है? अब इसका कमेंट सेक्शन में हमको बताओ कि अभी उजियारपुर का करंट सांसद कौन है। हम आपको हिंट देते हैं, वो व्यक्ति भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम है। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं बताओगे तो हम भी सोचेंगे कि भाई तुमको बताने का कोई मतलब ही नहीं है, ये भी हम बोल के निकल जाते कि अश्वमेधी देवी यहाँ की अध्यक्ष बनी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ऐसी ही चीजें याद होगा। महिला आयोग में कौन कौन अध्यक्ष बनी है? अभी 5 व्यक्ति उसके अध्यक्ष बने हैं, जैसे कि प्रभावती मांझी बनी है, सुलोचना देवी बनी है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमारे लिए अश्वमेधी देवी का नाम इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों को डिकोड करना होगा। और जस्टिस वाल्मीकि प्रसाद सिन्हा के बारे में खुद गूगल करोगे? जस्टिस इकबाल अंसारी के बारे में खुद गूगल करोगे? नहीं करना है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम लोग इस पर वीडियो लेकर आ जाएंगे। और आप आगे देखो, हु एमंग द फॉलोइंग ओन द 2022 नोबल प्राइज। यहां से एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि बीपीएससी का नोबल प्राइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, लो हैंगिंग फ्रूट है, हमेशा पूछता है। तो एक तो हम देखेंगे कि फिजिक्स में किसको मिला, केमिस्ट्री में किसको मिला, लिटरेचर में किसको मिला, मेडिसिन में किसको मिला और किसके लिए मिला, फॉर व्हाट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नाम पूछा है, अगली बार आपसे पूछ देगा कि किसके लिए मिला। प्रबल मैगजीन खोलना, वहां पर एक पूरा पेज दिया गया है किसके लिए मिला, क्यों मिला, किसको मिला। तो इसका मतलब कि जो अवार्ड इंपॉर्टेंट है वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना साइंस में अवार्ड हुआ, रामानुजम अवार्ड किसको मिला, कौन सा अवार्ड किसको मिला, पूरा हमने प्रबल में लिख दिया है, उसको जरूर करना। ये देखो, जो भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है 2023 को भारत इसके अनुशंसा करता है और इसको मनाता है। तो यहां से एक चीज ये हो गया कि इंपॉर्टेंट डेज वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट डेज में तो 500 दिन है, तो 500 दिन नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट डे 2023 में लाया गया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग याद करेंगे और उसके थीम को भी याद करेंगे। जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक लाया गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस कब के लिए है? 27 दिसंबर इस रिसेंट पे स्टार्ट किया गया है, तो हम याद रखेंगे इसको थीम के साथ। जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ, जैसे पराक्रम दिवस है, पराक्रम दिवस कब है? 23 जनवरी को है, क्यों किया गया है, जाके प्रबल मैगजीन खोज लेना। मैत्री दिवस है, क्यों किया गया, बांग्लादेश को आजाद किया गया, किसके लिए किया गया, जाकर इसको फिर से देखोगे। कब किया गया है? 6 दिसंबर को किया गया है, इसका थीम भी आप याद करोगे। जनजातीय गौरव दिवस कब किया गया? बिरसा मुंडा का जन्मदिन है कि क्या है, जाकर एक बार प्रबल मैगजीन खोल के देखोगे। डॉल्फिन डे कब किया गया? 5 अक्टूबर को किया गया। तो कहने का मतलब है कि हम सब का बैठ के पागल की तरह नमूना आइटम की तरह थीम नहीं रटेंगे। देखो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट पूछा है क्योंकि भारत इसकी अनुशंसा करता है और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में डिक्लेयर किया जाता है। तो मेरे बंधु मेरी जान, इस चीज को ध्यान रखना कि जो भी नए नए, जैसे स्टार्टअप दिवस है, तो ये सब नए नए जो दिवस ताजा में लॉन्च किए गए हैं उनके डेट को भी हमको याद करना है, उनके थीम को भी याद करना है और बाकी को सरसरी निगाह से देख के हमको आगे निकल जाना है। यहां पे हम देख रहे हैं इन विच सिटी वाज द फर्स्ट, इसका मतलब कि आप अपना प्रबल मैगजीन में जाओगे या कोई मैगजीन पढ़ते हो तो उसके पास जाना। कंट्री में फर्स्ट कौन है उसके बारे में पूछ रहा है, इसका देखना कि इसका कमेंट सेक्शन में हमको आंसर बताओ कि जोरहट इन असम है कि गुजरात है।
दो क्वेश्चन अब आपको करना है। क्वेश्चन नंबर वन में आपको लिखकर वहां पे लिखना है कमेंट सेक्शन में कि उजियारपुर का करंट सांसद कौन है। दूसरा आपको लिखना है कि इस क्वेश्चन में प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे कमीशन हुआ है। ऑप्शन है असम, गुजरात, जो आपको यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है आप इसका आंसर इस स्टेट का नाम लिखेंगे। इसका मतलब कि जो कंट्री में फर्स्ट हो रहा है उसके बारे में पूछ रहा है, जो वर्ल्ड में फर्स्ट हो रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट वर्ल्ड में पहली बार हुआ है उसको भी हमको करना होगा। जो भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुआ है, जो भी इंडिया में पहली बार हो रहा है, जो भी वर्ल्ड में पहली बार हो रहा है, इसका मतलब कि इसके पास एग्जामिनर बैठा हुआ है, उसके पास एक लिस्ट है जहां से वो क्वेश्चन को पिक कर रहा है। इट कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन आवर एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड्स। तो इसको अच्छा से करना है। आपके मैगजीन में डिटेल में इसको दिया हुआ है या फॉर द कोई भी मैगजीन आप कर रहे हो उसने दिया होगा तो उसको जरूर कर लीजिएगा। आप देखिए इंपॉर्टेंट लॉन्च डे भी पूछ रहा है तो हम ये भी देख लेंगे कि चंद्रयान जो तृतीय है यह कब लॉन्च किया गया, कब मून पर लैंड करता है और कब भारत से लॉन्च किया गया, कब मून के कक्ष में जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है, तो इसको हम लोग डिटेल में करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट जो है वो पूछ रहा है कोई भी लॉन्च मिशन का, तो इसको ध्यान से हम लोग को करना है। विच देखो हमेशा पोर्टल के बारे में पूछ रहा है, जब पोर्टल के बारे में पूछ रहा है तो अगर हम एग्जाम में बैठे तो कॉमन सेंस के हिसाब से तुक्का मार देंगे UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका हो जाएगा, क्योंकि UGC ही रेगुलेट करता है टीचिंग बॉडीज को। तो आप बोल सकते हैं सर AICTE होगा, तो AICTE तो टेक्निकल एजुकेशन को बेसिकली देखता है और ये टीचर का एग्जाम था, तो ऐसे MCI तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इसका कोई रिलेशन है, तुक्का मार सकते थे, पर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम तुक्का मारना आपको बताए। इसका मतलब कि आप अपने किताब पर जाना, आप पेज नंबर 29 पर जाना और प्रबल में खोज के देखना, यहाँ पे दुनिया भर के आपको ऐप्स दिए हुए हैं जो PIB कवर्ड है। ये उत्साह पोर्टल को आप जैसे गूगल करोगे तो आप सीधा वो PIB के वेबसाइट पर लेके चला जाएगा। तो इसका मतलब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम साथी पोर्टल के बारे में भी कर ले। S है मतलब सीड से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है। प्रवाह पोर्टल के बारे में कर लें कि प्रवाह पोर्टल किसके लिए है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा है। जैसे भोरोक्सा ऐप जो है ये हम लोग कर लें, जो जो उसमें ऐप इंपॉर्टेंट है हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ऐप से पूछ रहा है, पोर्टल से पूछ रहा है, तो इस तरह से हम लोग उसके माइंड को मापने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो हमने अभी पूरा एनालिसिस किया है तो हमने देखा है कि मात्र वो 8 टॉपिक से पूछा है क्वेश्चंस को, तो हम लोग 8 टॉपिक को कम से कम ये तो कर लें कि अगर यहां से पूछेगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पूरा एनालिसिस कर दे टीचर वाला वीडियो का करंट अफेयर्स का तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो जो हमको आइडिया देना था बेसिकली आपको बताना था वो हमने आपको बता दिया, एक बार इसको जरूर देखिएगा, है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से एक बार आप पढ़ लेंगे क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाइड्रोजन वाले के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि खूब न्यूज में रहा है, जो जो क्वेश्चन पूछ रखा है आपको जरूर करेंगे, जो भी ऑप्शन दे रखा है इसको आप जरूर देख लीजिएगा, फिजिक्स में कौन है, केमिस्ट्री में कौन है, मेडिसिन में कौन है, लिटरेचर में कौन है, इन चीजों को हम लोग को अच्छे से करना होगा। बाकी आपको और एनालिसिस चाहिए होगा तो जरूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो को हमको थोड़ा सा शॉर्ट रखना था। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।